3 दिन भजन संध्या है उसकी अपन कर रहे हैं, महाआरती की अपन ने पब्लिसिटी कर दी। अब अगर आप कह रहे हैं कि फंक्शन कराए घाट के ऊपर, तो वो एक बार एसपी साहब को देना पड़ेगा, अगर घाट पे भीड़ होगी अंदर धक्का मुक्की होगी ना। जयपुर घाट पे तो सर आराम से 3-4 हजार आदमी, 4 हजार 3 हजार आदमी बैठ सकते हैं। होली का त्यौहार आ रहा है। देखिए हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में हर वर्ग को, हर तबके को, हर क्षेत्र को उन्होंने एक तरह से बजट में भी बहुत ही सौगात दी है। इस बार राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक जो शुरू हुआ उसका रेस्पॉन्स पूरी राजस्थान की जनता ने बहुत ज़बरदस्त दिया, और बहुत सी योजनाओं की कॉपी देश के अन्य राज्यों में हमारे स्टेट की कॉपियां की जा रही है। उसी तर्ज पे राजस्थान में सांस्कृतिक महोत्सव शुरू हम कर रहे हैं, और पूरे मार्च के महीने में राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव होगा। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव पुष्कर में इस बार मनाया जा रहा है। पुष्कर की पहचान अब तक के ब्रह्मा मंदिर यहाँ है, दुनिया में अकेला ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है, इस नाते रही। पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला भरता है, इस बात से हुई। अब पुष्कर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव के रूप में भी पूरे देश में, दुनिया में होगी। इसके लिए शुरुआत की गई है, और ऐसे अभिनव पहल है जो पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, दुनिया में उसकी बहुत चर्चा है। 4 तारीख को से लेकर 7 तारीख तक लगातार एक से बढ़कर एक अच्छे मतलब आर्टिस्ट आ रहे हैं। 4 तारीख को बहुत ही विख्यात भजन गायिका विद्या शाह रहेंगी, 5 तारीख को अनुराधा पोडवाल जी रहेंगी, 6 तारीख को हरिहरन रहेंगे, और 7 तारीख को जो युवाओं के दिलों में बहुत ही क्रेज है जिनका, अमित त्रिवेदी, उनकी बॉलीवुड सेलिब्रिटी नाइट रहेगी। चारों दिन पुष्कर के जो घाट है सरोवर पे, उन घाटों पे महाआरती होगी। एक दिन 1.25 लाख दीपदान होगा 6 तारीख को, और होली का दहन होगी। गुलाब जो पहचान है पुष्कर की, गुलाब की होली खेली जाएगी। इस ढंग से एक बहुत ही शानदार एक कल्चरल कार्यक्रम पुष्कर में आयोजित हो रहा है, और पुष्कर के जो परंपराएं रही हैं, पुष्कर में जो एक जो भावनाएं रही हैं पुष्कर वासियों की, उन सब भावनाओं को ध्यान रखते हुए हमने ये अभिनव पहल की। सीएम साहब को हमने आमंत्रित किया है, हमने बहुत से मंत्री साहिबान को भी आमंत्रित किया है, और हमारी ये इच्छा रहेगी कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि भी आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इससे।